सो हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंटर पॉइंट गेमर। तो गाइस, आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर का सेटिंग होता है उसको अपने आईडी में अपलोड कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता आईडी में अपलोड कैसे करते हैं, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए गाइस, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा सेटिंग जो है अपलोड क्यों होता है, अपलोड कैसे होता है और ये डाउनलोड कैसे करते हैं। बहुत ईजी तरीके से आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अपने आईडी जो है अपना दोस्त के आईडी में कैसे, मतलब अपने दोस्त के फोन में कैसे उसको सेंड करें। एक तरीके से बोल सकते हो अपना कस्टम एचयूडी है उसको ट्रांसफर कैसे करें, अपने दोस्तों को कैसे बांटे, तो ये भी आपको अच्छे से बता दूंगा। अगर आपको कोई अपना दोस्त का एचयूडी चाहिए तो उसको भी अपने फोन मतलब आईडी में डाल सकते हो। तो अगर आपको ये चीज भी जानना है कि इसके एचयूडी को ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखो और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसी आपको अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स सी गाइस, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें गाइस हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, एक छोटा सा ट्रिक है, आपको उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा अपने दोस्त के मैं ट्रांसफर कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अपने फ्री फायर को यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी आपका आईडी है, मान लो आपका गेस्ट आईडी है, तो आप उसको बैन कर लो, मतलब कि उसको फेसबुक में डाल लो, मतलब कि उसको एक तरीके से फेसबुक से वेरीफाई कर लो, या फिर वीके से करना चाहते हो तो वीके से कर लो। क्या होता है कि गेस्ट आईडी जो होता है वो फ्री फायर डिलीट करोगे तो पूरा डिलीट हो जाता है, तो आपका जो भी 10-15 लेवल जितने भी लेवल आप खेल रहे हो, नए नए प्लेयर हो, तो वहाँ पर वो वापस से डिलीट हो जाएगा, फिर से एक लेवल से आपको खेलना पड़ेगा। तो अगर आपका फेसबुक वेसबुक जो भी मतलब पुराना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिएगा इस, आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, फ्री फायर को ओपन करना है, ऊपर में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग में जितने भी फ्री फायर का सेटिंग रहते हैं, A to Z जो भी सेटिंग है, आपका स्कोप जो भी चेंज करना रहता है, कस्टम एचयूडी पूरा इसी में रहता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्री फायर के कुछ बंदे ऐसे भाई जो नए प्लेयर हैं, कुछ भी उनको अच्छे से पता नहीं होता, तो भाई उन लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हमारे फ्री फायर के नए भाई लोग हैं तो इनको गाइस जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, फिर यहाँ पर देख सकते हो शुरू में ही यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग साइन, सेटिंग अपलोड करने का आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का आ रहा है। तो इस सेटिंग का मतलब है कि आपका जितने भी साउंड वाउंड जो भी आपका सेंसिटिविटी एचयूडी जो भी है सब आपके आईडी में अपलोड हो जाता है, यहाँ पर फ्री फायर में अपलोड नहीं होता। अगर आपका फ्री फायर डिलीट हो जाएगा, अपने आईडी को वापस से लॉगिन करना और आपका आईडी में एचयूडी अपलोड हो जाएगा, यहाँ से सिंपल से फिर से उसको डाउनलोड करना, आपका जो सेटिंग है पूरा डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, सिंपल से आपको अपलोड के बटन में क्लिक करना है, एक क्लिक करोगे वहां पर ओके का ऑप्शन आएगा, फिर गाइस ओके के बटन में सिंपल से कंफर्म कर देना, फिर गाइस आपका जो एचयूडी आपके आईडी में अपलोड हो जाएगा, फिर समझ लो गाइस आपका काम खत्म हो गया। आपका जब भी फ्री फायर मतलब कट आउट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या फोन रिसेट करोगे, या फिर अपने आईडी को किसी दूसरे में लॉगिन करोगे किसी दूसरे फोन में, तो वहां पर सिंपल से डाउनलोड के बटन को क्लिक करना, आपका जो एचयूडी है वो आपका फोन में डाउनलोड हो जाएगा, मतलब फोन में डाउनलोड होता है, ठीक है। यहां पर आईडी में डाउनलोड नहीं होता, आईडी में अपलोड होता है, फिर आईडी से डाउनलोड करके आपका फोन में वापस से डालना रहता है। अब बात करते हैं कि अपने दोस्त के फोन में अपने एचयूडी को कैसे डालना है, मतलब अपने दोस्त को ट्रांसफर कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपका जो फोन है वहाँ पर सबसे पहले अपना एचयूडी को डाउनलोड कर लेना, मतलब अपने आईडी को लॉगिन कर लेना अपने फोन में, फिर यहाँ पर अपने एचयूडी को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद अपने आईडी जो है कि आपका आईडी है उसको लॉग आउट करना फ्री फायर से, फिर वहाँ पर अपने दोस्त का जो आईडी है जो भी आपका दोस्त है उसका आईडी को सिंपल से यहाँ पर मतलब यहाँ पर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद उसका आपका जो एचयूडी है वो फोन पर डला रहता है, मतलब मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, आईडी जो है वो डाउनलोड करोगे तो फोन में अपलोड हो जाता है सेटिंग में फ्री फायर का। तो वहाँ पर सिंपल से अपलोड के बटन को क्लिक करना अपने दोस्त के आईडी पर, वहां पर उसके आईडी में जो है आपका एचयूडी अपलोड हो जाएगा, फिर सिंपल से अपने आईडी को वापस से लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना अपने एचयूडी को। ऐसा करके अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हो अपने एचयूडी को। तो अगर आपको कुछ मेरा जानकारी अच्छा लगा होगा, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।